1919 में आज एक दिन मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। अमृता प्रीतम 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की चर्चित लेखिका मानी जाती हैं। इनकी लोकप्रियता पाकिस्तान तक फैली है। इन्होंने पंजाबी जगत में 6 दशकों तक राज किया। अमृता ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। कागज ते कैनवास, पिंजर, रसीदी टिकट आदि इनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। अमृता प्रीतम को पद्म विभूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। 1963 में बंगाली फिल्मों के मशहूर निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का आज ही के दिन जन्म हुआ था। ऋतुपर्ण घोष ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर 2003 में चोखेर बाली का निर्माण किया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ऋतुपर्णों को 12 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। चित्रांगदा, सनग्लास, रेनकोट, द लास्ट लियर आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। अपने 19 वर्षों के फिल्मी करियर में ऋतुपर्णों ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया। 1994 में आज ही के दिन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की थी। IRA ने ब्रिटेन को उत्तरी आयरलैंड से हटाने के लिए 25 साल के लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की। IRA ने अपने बयान में सैन्य अभियान को बंद करने और प्रांत के राजनीतिक भविष्य के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करने का ऐलान किया था। ब्रिटेन के साथ IRA के 25 साल तक चले लंबे संघर्ष में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और 1997 में एक कार दुर्घटना में राजकुमारी डायना का निधन हुआ था। जब राजकुमारी डायना अपने दोस्त डोडी अल फयाद के साथ पेरिस के एक होटल से निकली, तब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ फोटोग्राफरों ने उनका पीछा किया। उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार शहर के बीच बनी एक सुरंग से गुजर रही थी, तभी एक फुटपाथ से जा टकराई। इस हादसे में डायना के साथ फयाद और उनके ड्राइवर हेनरी पॉल की भी मौत हो गई। प्रिंसेस डायना की मौत पर हादसा और हत्या होने के बीच विवाद बना रहा। शुरुआती फ्रांसीसी छानबीन के बाद हादसे के लिए ड्राइवर पॉल का नशे की हालत में गाड़ी चलाना और पीछा कर रहे पत्रकारों के कारण संतुलन बिगड़ना पाया गया।